आपके लिए सरप्राइज है। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए कि आज रमजान की तैयारी हम कैसे करते हैं। वैसे भी ना सकते टेढ़ी करके अस्सलाम वालेकुम, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त आदिल खान। और मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में इस्तकबाल है तहे दिल से। जी हाँ, क्योंकि मैंने लाखों लोगों को देखा है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ और अपने जितने मिलने वालों के साथ है ना, वो कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। और आजकल ब्लॉग्स ट्रेंड में हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरी भी एक दुनिया है छोटी सी, जिसमें आप मेरे भाई हो, मेरे साथी हो और मेरे दोस्त हो। तो अब हम हमेशा ही अपने साथ, हमेशा ही मैं अपनी पर्सनल दुनिया को आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ और भोपाल के सारे और तमाम चीज़ों के दीदार मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे भाइयों, मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है और आप मेरे साथ अब हमेशा ही बने रहिए। और आज हम जाने वाले हैं सबसे पहले कहाँ पर, ईद फेस्टिवल। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब रमज़ान जो कि है, कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, मुस्लिम्स के अच्छे दिन आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है जो कि इबादत का महीना है, दुआओं का महीना है, मग़फ़रत का महीना है और अल्लाह के साथ रहमतों का महीना है कि अल्लाह की रहमत हम तक पहुंचती है इस महीने में। जी हाँ, तो उसकी शुरुआत जो है आज होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी शुरुआत कैसे होगी, तो यह एक आपके लिए सरप्राइज है। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए कि आज रमज़ान की तैयारी हम कैसे करते हैं। राजा भोज सेतु काफ़ी खूबसूरत ब्रिज बनाया है हमारे यहाँ पर सरकार ने। और यहाँ पर लोग आते हैं अगर जो लोग भोपाल के नहीं हैं, वो लोग उन्होंने जो बाहर के हैं, आउट ऑफ भोपाल के लोग हैं या फिर आउट ऑफ मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो कोए फिजा, लाल घाटी, राजा भोज सेतु और हम लोग BIP रोड पर एंटर हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मेरी वाइफ है जो कि मेरी सपोर्टर है और मेरी हम सफ़र भी है, तो हमेशा ही मेरे साथ रहती है। और आज उसी का ही मशवरा था कि मैं ब्लॉगिंग शुरुआत करूं, और काफ़ी लंबे वक्त से वो मुझसे कह रही है कि ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग शुरुआत करो, ब्लॉगिंग शुरुआत करो। जी, आपको बताना चाहूँगा कि भोपाल का BIP रोड है, आज यहाँ की लाइट्स जो है वो कुछ ऑफ कर दी गई हैं। जी हाँ, क्योंकि आज रंग पंचमी का त्यौहार है और हमारे हिंदू भाइयों का काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है। होली के बाद रंग पंचमी होली की तरह मनाई जाती है और इसको बहुत अच्छे से लोग सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, BIP पर लोग शाम के बाद अक्सर रात तक यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। फैमिली थक जो लोग प्राइवेट जॉब वाले होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, वो शाम को यहाँ सुकून से खड़े होने के लिए, आराम के लिए यहाँ आते हैं और मौसम के मज़े लेते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी क्राउड है और पुलिस वालों ने यहाँ पर शायद चेकिंग भी लगा कर रखी हुई है BIP रोड पर, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं लेक व्यू गार्डन। लेक व्यू गार्डन मैंने आपको बताया था कि अब हम रमज़ान की और ईद की तैयारियाँ करने के लिए रमज़ान स्पेशल ईद फेस्टिवल से यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे के स्पेशल पे ऑर्गेनाइज बाय नूर ग्रुप इवेंट विद एलिगेंस और ईद फेस्टिवल है। जी हाँ, एग्जीबिशन है, इसके अंदर
अब किस तरह की तैयारियां की गई हैं और किस तरह की लोगों के लिए क्या क्या तैयारियां हैं मैं आपको बताऊंगा अंदर चल के। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहसिन है, हम मेट एंड मेस्ट्रो से हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर मदिया। इस वक्त हम लोग लेक व्यू गार्डन में हैं और यहाँ पर 3 दिन तक चलने वाली एक लाइफस्टाइल और फूड एग्जीबिशन हो रही है जिसका आज दूसरा दिन है। बच्चों की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, इंडियन स्टेट्स को ये लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अलग अलग प्रांत के उन्होंने लुक किए हुए हैं जैसे कि आप सब देख सकते हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है और ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि मोहसिन भाई हमारे साथ में थे और उन्होंने सारी तैयारियों के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और मदीहा बाजी उनके साथ में थी। चलो, उन्होंने यहाँ पर आ गए हैं, आपने देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने स्टेज लगाया है, यहाँ पर बच्चों की काफ़ी अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर उन्होंने बैग में आप देख सकते हैं कि कुछ लॉन्स बनाए हुए हैं यहाँ पर गेस्ट को बैठने के लिए। आइए, बीच में लेते लो। में काफ़ी खूबसूरत चीज़ हमें मिली है, तज़ीन यहाँ पर इनका एक ब्रांड है और इसका बैनर भी है। आप देख सकते हैं कि इनके पास में काफ़ी प्यारे प्यारे लोगोस न्यू कलेक्शन हमें मिले हुए हैं। अगर आप घर में अपनी वॉल पर या अपने ब्रेसलेट अपने किसी भी गेट पर या कहीं भी डेकोरेशन एज अ डेकोरेशन आप यूज़ करना चाहो तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन यहाँ मौजूद है। न्यू एंटिक चीज़ है, अगर आपको चाहिए हो तो 3 दिन का यहाँ पर एग्जीबिशन है, आप यहाँ आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ईद की तैयारियाँ हैं, जब रमज़ान जो हैं जब आते हैं तो उस वक्त में हमें भी काफ़ी एक क्रेज़ होता है कि नहीं हम घर पर कुछ न्यू करें, तब न्यू करने के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर काफ़ी दुआएं जो लिखी हुई हैं यहाँ पर पोस्टर्स में वो यहाँ अवेलेबल है। छोटे छोटे कर्टन्स हैं, आप देख सकते हैं इन पिलो को, ये पिलो से बना के एक लेयर बनाई गई है जो काफ़ी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर और भी कलेक्शंस हैं इनके पास, आपको कुछ भी कॉन्टैक्ट यहाँ से कुछ भी सामान चाहिए हो यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, यहाँ पर एग्जीबिशन में भाई ने शॉप लगाई है और इनके पास में अलग अलग तरह के सूट अवेलेबल हैं। किस तरह के सूट अवेलेबल हैं? कॉटन में है, सिंथेटिक में रंगीन छान है और अजरक में सूट है कॉटन के। ठीक है, अपन रमज़ान की जो तैयारियाँ कर रहे हैं इनमें क्या खास है आपके पास में कलेक्शन जो अपन ने यहाँ एग्जीबिशन में लगाया है, ये क्या चीज़? जी ठीक है, इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट है आपके पास? 550 से स्टार्ट है जी, और मैक्सिमम कहाँ तक रहेगी? 1050 तक रहेगी। सिल्क में 1650 रुपये की रेंज रहेगी आपके पास में। आप देख सकते हैं कि इनके पास में 550 रुपये से लेके 1050 रुपये तक की रेंज है और इसमें हर तरह के कलर्स मिल जाएंगे, कॉटन कलर में आपको सूट्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरह की वेराइटियाँ आपको यहाँ पर मौजूद हैं और आप जो चाहो वो बेहतर कलेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अलावा
सिल्क में भी अगर आप सिल्क पहनना पसंद करते हैं तो सिल्क में भी भाई के पास काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। आपका यहाँ कपड़ा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा कपड़ा है और रमज़ान को लेकर काफ़ी न्यू कलेक्शन रहेगा और तैयारियाँ भी काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर सिल्क में भी अगर आपको कलेक्शन के साथ साथ आपको कलर देखना है या फिर डिज़ाइन देखना है तो माशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगा। जी अच्छा, जॉर्जेट में सिंगल है जी जी। इसके साथ ये क्या रहेंगे? अच्छा अच्छा ठीक है। अगर आपको कोई भी आइटम लेना हो या किसी भी तरह की विजिट करना हो, रमज़ान से पहले आपकी तैयारियां करना हो, तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जीबिशन में काफ़ी कुछ यहां अवेलेबल है। लाइफ स्टाइल नूर ग्रुप की तरफ से है, शॉप नंबर है A32, यहां पर आइएगा इंशाल्लाह आप। और हर तरह के यहां पर सूट्स अवेलेबल हैं, कॉटन्स में अवेलेबल हैं, सिल्क में अवेलेबल हैं, तो आप यहां कर देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ वेराइटी पसंद आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर इसी के साथ आपका परफ्यूम्स मिल जाएंगे, क्योंकि रमज़ान में सबसे पहले बात होती है कि जब हम कहीं निकलते हैं या हमारा रोज़ा होता है तो उस वक्त में हमारे पास से एक नूरानी खुशबू आना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह के परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। यहाँ मैक के मिल जाएंगे, पाशा के मिल जाएंगे, चार्ली मिलेगा, फरारी मिल जाएगी माशाल्लाह को, लेकोस्टे परफ्यूम मिल जाएगी, डीजल का मिल जाएगा। भाई किस किस तरह के आपके पास परफ्यूम अवेलेबल है यहाँ पर? भाई मेरा सभी तरह के परफ्यूम मिल जाएंगे, हार्ड में भी मिल जाएगा, लाइट में मिल जाएगा जी। बाकी लेकोस्टे, फरारी, पाशा कार्टियर ये सब मिल जाएगा, इतर भी मिल जाएगा जी। बाकी के मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, अगर आपको कोई इतर समझ में आता है तो उसका परफ्यूम भी बन जाएगा। अच्छा, परफ्यूम बन जाएगा, परफ्यूम बन जाएगा। यहाँ पर इतर अवेलेबल हैं और इनके सैंपल भी भाई के पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी सैंपल यहाँ पर पसंद आता है तो उसका आपको परफ्यूम मिल जाएगा। और इनका खुद का एक मैन्युफैक्चर है, इनका खुद का एक मैन्युफैक्चर है कि जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप इनसे कहेंगे तो वो आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके आपको आपके बाद में आपके पास मिल जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर सूट्स में आपको कलमकारी काफ़ी खूबसूरत मिल जाएगी। टोटल लेडीज़ वियर है यहाँ पर, जी हाँ, आपको लेडीज़ वियर आइटम्स हैं, सारे सूट्स न्यू अपडेट्स हैं यहाँ पर, हैंडमेड की। भाई किस किस तरह की चीज़ें आपके पास मौजूद हैं हमें बताएंगे आप? कलमकारी में मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, अजरक में मिल जाएगा जी। कपड़ा इंडिगो कपड़ा है, इसमें क्या खासियत होती है भाई बताएंगे आप? प्योर कॉटन का हैंड ब्लॉक होता है। अच्छा जी, ओके ठीक है ठीक है। इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है आप बताएंगे मुझे? 25 से 26। अच्छा, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी इसकी रेंज? 3000। आपने देखा कि यहाँ पर कुछ हैंडमेक्स आइटम है यहाँ पर, और जिसमें कलम काफ़ी खूबसूरत की गई है और लुक वाइज भी काफ़ी खूबसूरत है और अट्रैक्टिव है, और रेंज भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 2500 रुपये से ज़्यादा इसकी रेंज नहीं है और नॉर्मल शुरुआत है। फिर उसके हिसाब से कि आपको जो चीज़ पसंद आती है आप यहाँ आएंगे तो कुछ न्यू कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन है, कॉटन, प्योर कॉटन रहेगा, हैंडमेड आइटम रहेगा, कलमकारी भी इसमें काफ़ी अच्छी है, और इसमें कलर कलेक्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कोई कांटेक्ट करता है तो किस तरह से कांटेक्ट करें आप इसमें बोलिएगा? मेरा मोबाइल नंबर है जी जी, बोलिए ना। 8871559723। ठीक है, भाई ने कांटेक्ट नंबर आप यहाँ बताया है, मेंशन किया है, यदि कहीं बनाए नहीं है, सिंपल एक ही चीज़ पूरा गांव ने। भाई का इनका कहना है कि अभी तक किसी ने इस तरह का पीस नहीं बनाया है पूरे मार्केट में, या फिर कहीं भी ट्राई करेंगे तो इस तरह का पीस नहीं मिलेगा। इस तरह के डिज़ाइन देखेंगे आप और इस तरह का पैटर्न जो रहेगा अलग कल, ठीक है ठीक है। नहीं माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, इसके स्टॉल इसके साथ में ही रहेगा, ठीक है। ये आपने खुद बनाया है इसको? आप खुद बनाते हैं? वैसे आपकी शॉप वगैरह कहाँ पर है बताएंगे आप? अच्छा, वर्कशॉप है,
अच्छा, ये होलसेल है, ठीक है। इनका खुद का वर्कशॉप है और यहाँ पर इन्होंने होलसेल में लगाया हुआ है, कुछ सैंपल्स यहाँ पर लाए हुए हैं, क्योंकि एग्जीबिशन कुछ दिन की एग्जीबिशन है, लेकिन परमानेंट अगर आपको इनसे कुछ कलेक्शन चाहिए हो या फिर कुछ ड्रेसेस आपको परचेस करनी हो तो इन्होंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अंजलि चाइनीज सेंटर्स दिल्ली कबाब कॉर्नर्स